अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम हुसैन आपको खुश आमदीद करता हूँ फोर्थ क्लास एंड्रॉयड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस में। ये टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स एंड्रॉयड स्टूडियो के, जैसा कि हो गया मेन्यू बार, टूल बार, प्रोजेक्ट डिज़ाइन, कोड एडिटर, प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्टर, एम्यूलेटर। ओके, तो जब आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका होगा तो फिर उसको ओपन कर लें। जब आप ओपन करोगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो का लुक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ऊपर देख रहे हो आप, सबसे ऊपर एट द टॉप ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो वी व्हाट वी कॉल इज इट इज टाइटल बार। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो उसके नीचे बिल्कुल एक वाइट जो है ना बार नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और उसके नीचे अंडरलाइन है, एफ अंडरलाइन, ई अंडरलाइन, वी अंडरलाइन। ठीक है, तो इन सब को हम कहते हैं मेन्यू बार। और मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे हम यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं टूल बार। ठीक है, और टूल बार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यह है प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्टर बार। सही है, और न्यू फाइल और नो फाइल और ओपन, ये फाइल्स और ओपन, बेसिकली ये हमारा मेन स्क्रीन विंडो है। ठीक है, और जिसमें हम सर्च एवरी डबल शिफ्ट कुछ शॉर्ट कीज़ बता रहा है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा तो अल्ट प्लस एम करेंगे, अगर प्रोजेक्ट की किसी फाइल को ओपन करना होगा तो कंट्रोल को होल्ड करेंगे, फिर शिफ्ट को होल्ड करेंगे, फिर एन को प्रेस करेंगे, तो हमारे सामने एक फाइल ओपन आकर हो जाएगी। अगर रिसेंट फाइल को ओपन करना होगा तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, अगर नेविगेशन बार को लाना होगा तो फिर अल्टर प्लस होम के बटन को, होम की को हम प्रेस करेंगे, अल्टर प्रेस कर ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ना, हमारे पास फीचर अवेलेबल है इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ठीक है, ओके, तो जब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट का एक विंडो ओपन हो जाता है। जब मैं स्ट्रेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्ट्रेक्स प्रोजेक्ट को पहले डिस्कस कर लें। प्रोजेक्ट के अंदर आप देखो, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस हैं, स्केचेस हैं, एंड्रॉयड और प्रोजेक्ट फाइल्स, प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन एंड टेस्ट। ठीक है, और इसके साइड में ही स्क्रॉल फ्रॉम सोर्स कोलैप्स ऑल कंट्रोल, इसकी शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस नम बटन, नम पैड सॉरी। ठीक है, और ये सेटिंग का बटन होगा और इसके साथ कोलैप्स ऑफ का बटन होगा, जिसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये कोलैप्स ऑफ हो गया और क्लिक करेंगे तो कोलैप्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरह से भी हम कोलैप्स कर सकते हैं अगर मेरे पास दो ओपन हों। ठीक है, तो अब सेवन, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने ऑन कर दिया, स्ट्रक्चर के अंदर सेटिंग और कोलैप्स ऑफ का बटन है, जिसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में हमारे पास जेडी 1.8 जेडी के इंस्टॉल हुआ है सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ठीक है, ये लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर दिया, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो इतना तो क्लासिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें कुछ जो है ना सेपरेटली इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में मैं आपके साथ बात एक शेयर कर चुका था कि एक्लिप्स जो आईडीई है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक आईडीई है, लेकिन ये एडवांस लेवल का है, ये बहुत इजी टू यूज़ है फॉर द बिगनर्स एंड फॉर द एक्सपर्ट्स, एवरीवन के लिए। ठीक है, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज में से जेडीके जो कि जावा डेवलपमेंट किट टूल है, 1.8 इसने इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, लाइब्रेरीज में और मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसीज ये हमारे पास भी अवेलेबल हैं इसके लाइब्रेरीज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरीज हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और क्या लाइब्रेरीज होते हैं। बेसिकली लाइब्रेरीज के अंदर हमारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं।
सॉरी क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं, फिर हम उन मेथड्स को कॉल कर लेते हैं, वो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम मेथड्स को कॉल करते हैं, क्लासेस को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं कैप्चर के ऊपर। देखो एट दिस टाइम कैप्चर को लोडिंग कर रहा है और कैप्चर में भी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में देखो पिन मोड, फ्लोटिंग मोड, अगर फ्लोटिंग मोड करूँगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। फ्लोटिंग मोड में ये स्क्रीन से बाहर होकर आएगा, अगर फिर से वापस जाकर रखूँ तो वापस रखने के लिए मैं इसका फ्लोटिंग जो है ना ऑफ कर दूंगा तो ये वापस एड आ जाएगा। फिर पिन और मूव करूँगा, डॉग्ड मूव करूँगा, डॉग्ड मूव का मतलब ये होगा कि ये कंप्लीट जो है ना हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं माउस के एरो को सेटिंग के ऊपर क्लिक कर ये सेटिंग के साइड में डॉट सिंबल देख रहे हो इसके ऊपर वन टाइम क्लिक करूँगा तो डॉग के मोड के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो वापस जो है ना डॉग मोड में आ जाएगा। और पिंड मोड में मैंने वापस इसको ऐड कर दिया और फ्लोटिंग मोड भी इसका शो व्यू ए टैब कर दूँ तो ये सिर्फ टैब व्यू में आ जाएगा, ठीक है। सेम जो है ना प्रोसीजर्स हम सेटिंग्स में इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मूव बॉटम राइट, राइट साइड पर जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कहूँगा कि मूव करो टॉप लेफ्ट पर तो लेफ्ट पर आ जाएगा, ठीक है, सही है। इस तरह से हम इसकी सेटिंग्स को मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेकर बाहर आ सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम जो है ऑपरेशन इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैप्चर्स के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। और अब हम आ रहे हैं बिल्ड वेरिएंट्स पर। बिल्ड वेरिएंट्स पर देखो एप्स हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है और डिबग, ठीक है। मॉड्यूल में हमारा एप्स प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। यूनिट टेस्ट, टेस्ट आर्टिफैक्ट्स। बिल्ड वेरिएंट्स में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एरर होंगे तो वो मुझे एरर कंसीडर एरर डिटेक्ट करके देगा, फिर मैं वो एरर रिमूव करूंगा। ये भी मैं जब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। और एप्स के अंदर एप हमारी एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर मॉड्यूल के अंदर एप्स बना होता है, ये भी मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करके बता दूंगा, ये बिल्ड वेरिएंट्स के सेक्शन के अंदर आ रहा है। और इसके अंदर जो आप देखो शो टूल बार, सेम फीचर्स जैसा कि प्रोजेक्ट्स, कैप्चर, स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। अगर स्प्लिट मोड पर क्लिक कर देता हूं मैं, स्प्लिट मोड का मतलब ये होगा कि इसको जुदा कर देगा इससे, ठीक है। फिर से मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं। वेरिएंट्स, बिल्ड वेरिएंट्स आपको समझ में आ गया। बिल्ड वेरिएंट्स के अंदर टेस्ट आर्टिफैक्ट्स होता है जिसके अंदर एंड्रॉयड इंस्ट्रक्शंस को टेस्ट करते हैं हम, या यूनिट को टेस्ट करते हैं। जब हम यूनिट को स्क्रॉल अप कर देंगे तो फिर यूनिट हमारा टेस्ट होगा। अगर एप्लीकेशंस को हम एंड्रॉयड इंस्ट्रक्शंस टेस्ट करेंगे तो फिर एंड्रॉयड की इंस्ट्रक्शंस को टेस्ट करेंगे, या यूनिट को टेस्ट करेंगे तो यूनिट को टेस्ट करेंगे। ये सब कुछ बिल्ड वेरिएंट में डीबग होगा, एप्लीकेशंस के अंदर अगर कोई एरर होगा तो वो हमें उसे हम उसका बग जिसे हम एरर कहते हैं वो हम रिमूव करेंगे, ओके। फिर से मैं कोलैप्स ऑफ कर देता हूं और फेवरेटीज पर आऊंगा। फेवरेटीज पर माय न्यू कॉल, बेसिकली ये मेरा नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने लिखा है माय न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। बुकमार्क्स में जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो जो मेरा करंट प्रोजेक्ट बना होगा जैसा कि माय न्यू कॉल, वो फेवरेटीज में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, शिफ्ट एस्केप के बटन को क्लिक करूंगा तो फिर भी ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सर्च के बटन पर आते हैं। अगर मुझे जो है ना एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, फिलहाल एट दिस टाइम मैंने माय न्यू कैलकुलेटर का एप्लीकेशंस बनाया हुआ है इसके अंदर,
अगर मुझे मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर फाइल्स को सर्च करना होगा तो फिर मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। ओके, फिर मैं आता हूँ ग्रेडल पर। ग्रेडल पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जब मेरे पास प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा तो फिर ये ग्रेडल और मोवन प्रोजेक्ट्स ओपन होकर सामने आएंगे। ठीक है, और अब ये स्क्रीन तो ऊपर की होगी। अब मैं एंड्रॉयड पर आ रहा हूँ। एंड्रॉयड पर जैसे ही आ गया, यहाँ पर देखो कि तो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेडल को। ग्रेडल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडल प्रोजेक्ट आ जाएगा। अगर मैं प्लस, इसके अंदर रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश योर प्रोजेक्ट, प्लस एड योर प्रोजेक्ट, अटैच योर प्रोजेक्ट, मिनिमाइज डिचेज योर प्रोजेक्ट, ये कुछ इसके अंदर फीचर्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। मोवन प्रोजेक्ट्स, मोवन प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम फीचर्स हैं वही। ठीक है, मोवन प्रोजेक्ट्स और ग्रेडल प्रोजेक्ट्स को हम भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेडल मोवन था, और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैप्चर और बिल्ड वेरिएंट फेवरेटीज था, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ग्रेडल मोवन। ओके, अब बॉटम में, टॉप में हमने डिस्कस किया था टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार और प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्टर, मेन स्क्रीन विंडो, ये हमारा टॉप पे था। मिडल में मेन स्क्रीन विंडो था। अब बॉटम में देखें, हम बॉटम में आ रहे हैं। बॉटम में एंड्रॉयड आपको नज़र आ रहा है। इस एंड्रॉयड के अंदर 6 पर हमारा एंड्रॉयड है। इस एंड्रॉयड के अंदर आप देखो, नॉट कनेक्टेड डिवाइसेस, नो डिबगेबल एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने अपनी एप्लीकेशंस को चलाया नहीं, इस वजह से ये कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शंस रेड लाइन में वार्निंग्स मुझे आ रही हैं। ठीक है, ये देखो लोकेट एबीडी लॉग्स मेमोरी सीपीयू, ये कंप्लीट स्टेट बताता है एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को जब हम डिवेलप कर एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं अपने जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो वो सारी डिटेल बता रहा है, एबीडी लॉग्स कितने हैं, मेमोरी लॉग्स कितना यूज़ हो रहा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ हमें बताएगा। और लॉग लेवल अगर डिबग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फो पॉइंट ऑफ व्यू से, वार्म एरर और एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग्स का लेवल देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। सर्च बार में हम उसके लॉग्स को सर्च कर सकते हैं। और शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशंस, सिर्फ जो एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसका ही स्टेट हमें बताएगा। ओके, और मैं आता हूँ अब टर्मिनल्स पर। टर्मिनल्स पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 6.2, ये कुछ जो है ना सी ड्राइव की मुझे लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है टर्मिनल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैसेजेस पर, मैसेजेस ग्रेडल बिल्ड, ग्रेडल की जानिब से जो मैसेजेस अप टू डेटेड हैं सारे वो बिल्ड होकर हमारे सामने आ गए हैं। ये सारा एंड्रॉयड का जो बॉटम का सेक्शन है, ये सब कुछ स्टेट के बारे में, टर्मिनल्स, मैसेजेस, टू डू, ये सब कुछ जो है ना हमारे प्रोजेक्ट की करंट फाइल्स उनके स्टेटस के बारे में है। ये सब कुछ एंड्रॉयड हमें जो है ना बॉटम में दिया गया है। ओके, जो हम प्रोजेक्ट्स यूज़ करेंगे उसका स्टेटस हमें बताएगा। आपका मेमोरी कितना यूज़ हो रही है इस प्रोजेक्ट में, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, और टर्मिनल्स में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। मैसेजेस में आपको अप टू डेटेड मैसेजेस आएंगे। ठीक है, और टू डू में हमने क्या क्या किया हुआ है, ये सब कुछ एंड्रॉयड के बॉटम वाले सेक्शन में आएगा। और ये देखो स्टेटस बार है बिल्कुल नीचे, एट द बीनीथ बॉटम ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो, वहाँ पर आप देखो क्लियर लॉगेट बफर ऑन डिवाइसेस, यहाँ पर हमें कंप्लीट स्टेटस नज़र आएगा। ठीक है, और इवेंट लॉग, ग्रेडल कंसोल, ये देखो ग्रेडल कंसोल के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो बिल्ड सक्सेसफुली, ग्रेडल कंसोल हमारा बिल्ड हो चुका है। ओके, और इवेंट लॉग, कौन कौन से इवेंट हमने परफॉर्म किए हैं, ये सारे इवेंट का लॉग। ये कहने का मतलब है कि बॉटम में एंड्रॉयड वाले बॉटम में टैब पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड्रॉयड के टैब पर, टर्मिनल के टैब पर, मैसेजेस के टैब पर, टू डू के टैब पर,
ये सारे के सारे जो है ना हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे स्टेटस बार, हमारे एप्लीकेशंस का स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है वो बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के सारे फीचर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका होगा और मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि कौन से फीचर्स कहाँ पर हैं और कौन से फीचर्स का क्या काम है, हम इनको प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखकर जो एप्लीकेशंस को हम डिज़ाइन करते जाएंगे वो सब कुछ मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दिया, एंड्रॉयड स्टूडियो के फीचर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको मैंने, ठीक है। हमने, मैं फिर से समराइज करता हूँ, मेन्यू बार को डिस्कस किया, टूल बार को, प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइन एक्सट्रैक्टर, कोड बार, एम्यूलेटर और स्टेटस बार को हमने डिस्कस किया। ये सारे टूल्स के एंड्रॉयड स्टूडियो के फीचर्स थे। अब हम जब प्रोजेक्ट्स को के ऊपर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।